और पता है यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना सुबह का, एकदम शांति वाला। गाइस आधे झूला डाल लिया है। तो हे फैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो की हाल चाल, और अब बजे सुबह के 5:30। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, हम लोग जाएंगे वॉक करने के लिए सुबह सुबह। और पता है यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना सुबह का, एकदम शांति वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पता है हम लोग अभी कहाँ पे हैं? ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ सब कुछ दिख रहा है, एकदम पूरा जो आगरा का व्यू है पूरा दिख रहा है सुबह सुबह का जो भाई, और अच्छा लग रहा है, शांति वाला माहौल, एकदम मज़े आ रहे हैं। और पता है अभी हम लोगों ना 1 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ मारी है, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और मतलब पसीने से पूरा गीले हो चुके थे। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो यहीं पर अभी एक्सरसाइज करेंगे अभी। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी चालू कर लेते हैं जब मोबाइल हैं हाथ में। तो यार वैसे अभी हम लोग दौड़ लगाने आए थे, और भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरी जो फैमिली बहुत छोटी है, तो जल्दी से बढ़ाओ से यार, ग्रोथ बढ़ाओ मेरी, जो मतलब जो भी है चैनल की ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है, एकदम गिर चुकी है भाई साहब। एंड वो ताजमहल दिख रहा है वहाँ से भाई साहब, जो सुबह का जो व्यू है ना, एकदम कच्चा लगता है, मतलब अच्छा लगता है एकदम, और शांति वाला तो मज़ा बहुत आता है। यहाँ पर पता है कोई नहीं आता, इसलिए हम लोग आए थे। अभी मतलब वहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे दोस्त भी हैं और हम भी अभी एक्सरसाइज करेंगे। तो सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के एक्सरसाइज कर ली है, और एकदम ठंडी ठंडी हवा थी वो भी ले ली हम लोगों ने अभी। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, और देखो भाई साहब पूरा जो है ना पहाड़ी का इलाका, यहाँ से गिरे तो क्या होगा, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। अभी हम लोग आते हैं नीचे हाईवे पर, और फिर चलते घर पर, क्योंकि अब भाई साहब अब बजने वाले सुबह के 6:30, उसी में निकलते हैं बाकी चल रास्ते पर। और अब बज रहे हैं दोपहर के 1, और पता है अभी हम लोग सो के उठे हैं, और अभी सीधे ब्लॉग स्टार्ट किए हम लोग सो के। अभी मैंने मुंह धोया है ना, अभी नहाया है, क्योंकि हम लोग गए थे मतलब मॉर्निंग वॉक पर आज सुबह, मैंने वीडियो में बताया भी था दोस्तों के साथ जाएंगे हम लोग मॉर्निंग वॉक पर। तो जब घर पर आए ना, तो मेरी एकदम तबीयत ख़राब हो गई, मतलब सर में दर्द और इतनी थकान ऐसे पूछो मत। तो सीधे आके सो गया, और तब से सो ही रहा हूँ, एंड अब जाके उठा हूँ, और अब जाके ब्लॉग स्टार्ट किया है। पहले फ्रेश फ्रेश होके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एकदम फ्री हो गए। तो फाइनली भाई साहब अभी हम लोगों ने नहा लिया है, और पता है आज हम लोग को व्रत है, क्योंकि आज है 3rd Monday, तो इसलिए हम लोग व्रत हैं। और पता है अभी मैं कुछ खाने आ रहा था, सही है मैंने कुछ खाया नहीं, याद आ गया। और अब बच रहे हैं 1:30 दोपहर के, और पता है अभी हम लोगों ने पूजा पूजा कुछ कर ली है, और सुबह बताए जब मॉर्निंग वॉक से हम लोग आए थे, आज सुबह ना इतना गंदा वाला पोपट हुआ था ना भाई साहब, मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया यार, भूतिया वाला सो भी, मतलब वीडियो अपलोड करने बैठा मैं तो उसमें ब्लॉग ही गायब हो गया, अब पता नहीं किसने डिलीट किया। अब मैं सच्ची में इतना कर रहा वाला दिमाग ख़राब हुआ था ना, इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई थी वाली, यहाँ पूरी मैंने तो पानी फिर गया, इतना सच्ची में बहुत गंदा दिमाग ख़राब हुआ मेरा, बहुत बहुत गंदा पोपट हुआ था। और उसकी मेरा तो 1-2 क्लिप होंगी, मतलब जो भूत वाली की है 1-2 क्लिप होंगी, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई साहब अब आते जा रहा झूला डालने, मैं इससे मना कर रहा हूँ साड़ी से मत डाल, मतलब साड़ी फट भी सकती है, और डाल यहाँ पर आइए, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये उल्टी से, और आती है मुझे ऐसे झूला डालता है तब, तो जो नहीं आती मुझे तो आती है। क्या करते गाइस, आधे झूला डाल लिया है भाई साहब, ऊपर लग जाइए, जाने झूला झूला कर पागल, तो फट गया देखिए ये, ओ भाई रुक 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 रुक, ये फट गया बेटा, गिरेगा अच्छे से धाम जी ना, पागल है बेटा तू। बस अभी हम लोग गए थे अपनी बस्ती में, मतलब बस्ती में थोड़ा सा कुछ काम था भाई, वो करके आए हैं, और देखो अब बज रहे हैं 8:30 रात के। और आदि क्या कर रहा है? मेरी सेहत करके देगा क्या? आदि एक जादू कर रहा है, करके दिखा आदि, तो 150 रुपये में देगा, कौन से कुछ आता है नहीं तो। सो गाइस अभी हम लोगों के लिए खाना रेडी हो रहा है, मतलब अभी खाना बना नहीं है,
खाना बनता है, फिर अपना व्रत खोलेंगे और भगवान जी की पूजा भी हम लोग करनी है। पहले पूजा करते हैं उसके बाद फिर व्रत खोलेंगे। यस। और आदि क्या कर रहा था ये? अब जादू दिखा। जादू दिखा दिखा। हम तो ये कॉइन है। यस ओके बे दिखाएगा उसके बाद। लगता है ये पागल हो गया। क्या ये मतलब कौन सी पार बंदी है ये? गायब। ये रहा कुछ नहीं आता तो उसको गाइस ये रहा ये वो गाइस। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गायब हो गया। तू फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। फेंक दिया मेरा। और पता गाइस हमें जाना कल स्कूल। ओ भाई साहब बहुत मतलब बहुत दिन हो चुके हैं अभी स्कूल नहीं आए, तो कल से स्कूल जाएंगे। और अब जा रहे हैं अपना व्रत खोलने के लिए। और देखो खाने बनाए आज, आलू के परांठे और दही। कैसे बनाए? एक नंबर। पाँच नंबर। तो यार भाई साहब पहले अपना व्रत खोलते हैं फिर मिलते हैं आपको। बहुत तेज भूख लगी इसलिए। गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं दुकान पर, मतलब रात के देखो रात का 9:30। और अभी मतलब दुकान पर कुछ काम था तो चलते हैं, कुछ लेके आते हैं। मतलब जो अभी घर का चावल लेके आए थे मतलब थोड़े से, तो अभी चावल लेके आते हैं। तो चल रहा अभी चला जा फिर। तो सो गाइस अभी हम लोग मतलब चावल लेके आ चुके हैं, मतलब चावल लेने गए थे दुकान। चावल हाँ दुकान चावल ले लिए, चलते हैं अभी सीधे घर पर। और भाई साहब कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पर। हो गया अब बज गए मतलब 9:30, मतलब ज़्यादा बज गए होंगे अब पता नहीं। चलते हैं फटाफट घर पर, फिर घर पर भी मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं। और ये देखो रात के 10 बजे तक अभी झूला बोल रहा है। देखो रात के 10 बज रहे हैं और अभी भी झूला झूल रहा है। तो यस भाई साहब अब करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट कर देना। और भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अपनी फैमिली है ना बहुत बढ़ा लो भाई प्लीज़ प्लीज़। ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सी द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।